नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज लेकर आया हूँ। आप पूरा देखिए है कैसे एक लड़की के जज्बे को सलाम है कि कैसे उसने ये करके दिखाया है। बोर्ड एग्ज़ाम में एक नंबर पाने के लिए इस लड़की ने किया कुछ ऐसा कि पूरी सरकार हिल गई। हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, ठीक है। कुछ दिन पहले आंसर की आया था, तो आंसर की में कुछ लोगों ने सुधार भी नहीं करवाया कि चलो जो होता है हो गया, लेकिन एक नंबर का क्या इम्पोर्टेंस होता है ये न्यूज़ में आपको पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, तो वीडियो को जरूर पूरा से पूरा देखें। जो 12th वाले एग्ज़ाम दिए थे या मैट्रिकुलेशन वाले एग्ज़ाम दिए थे वैसे स्टूडेंट तो ज़रूर से ज़रूर देखें, जिनका रिजल्ट अभी आना बाकी है। देखिए न्यूज पे आते हैं। एक स्टूडेंट जब अपनी पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करता है तो उसे इस बात की भी उम्मीद होती है कि उसने जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की है उसका उसे फल भी मिलेगा। ये सही बात है। निराशा तब हाथ लगती है जब पूरे जोर मेहनत करने के बाद भी बहुत लोग से इसे अपनी मेहनत का फल मिलने से वंचित रह जाते हैं। आज हम आपको 12वीं की परीक्षा में पास करने वाली एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने महज एक नंबर के लिए पूरी सरकार को हिला के रख दिया। कैसे उसने सरकार को हिला के रखा, देखिए आगे। वैसे आम तौर पर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग एक नंबर कम आने या फिर ज़्यादा आने को इतना महत्व नहीं देते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जैसा कि आंसर किया आया था तो बहुत लोगों ने तो देखा ही नहीं था कि चलो लास्ट में रिजल्ट आएगा तो लास्ट में देखेंगे। उन्हें पता नहीं है कि एक नंबर हाफ नंबर का कितना इम्पोर्टेंस है। आपको आगे जाकर किसी कंपटीशन फेस कीजिएगा तो आप एक नंबर या 0.2 नंबर से आपका मेरिट में डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। सब कुछ लगने के बाद आप मेरिट में आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एक नंबर भी आपका कम आ रहा है तो आप उसके लिए कंप्लेन करें, ठीक है। लेकिन बात अगर हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की करें तो यहाँ एक नंबर का खासा महत्व है। इसी वजह से इस लड़की ने सबको हिलाकर रख दिया। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला, आखिर पूरा मामला क्या है, उस पे से अभी मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो न्यूज है, आपको बता दें कि यह मामला असल में मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले का है। ये भले ही मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले का है लेकिन पूरे भारत के लिए ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि आपका अगर एक नंबर भी छूट जाए तो आपको क्या करना है। यहाँ की रहने वाली एक 12 की स्टूडेंट ने पूरे ज़िले सहित राज्य की कानून व्यवस्था की नींद उस वक्त उड़ा दी जब उसे बोर्ड एग्ज़ाम में सिर्फ एक नंबर कम मिले। बताइए एक लड़की ऐसा की है जिस लड़की को बहुत कम समझा जाता है कि एक लड़की क्या कर सकती है। एक लड़की ने एक नंबर के लिए सरकार की नींद उड़ा दी। बता दें कि जब पूरे मामले की जांच की गई तो पाया गया कि असल में 12वीं की इस स्टूडेंट को बोर्ड एग्ज़ाम में 500 में से केवल 424 अंक मिले हैं, जो कि अपने आप में कम नहीं है। फिर भी देखिए इनका हौसला। आम लोगों को इतना नंबर आ जाए तो उसके पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, बोलेंगे एक नंबर के लिए पागल हो गया है क्या जो कंप्लेन करेगा। लेकिन इस लड़की की हिम्मत देखिए। ज़िले की प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल की इस स्टूडेंट ने असल में एग्ज़ाम के बाद मिलने वाले लैपटॉप के लिए भी काफ़ी मेहनत की थी लेकिन सिर्फ एक नंबर से वो पीछे रह गई। आपको बता दें कि असल में मध्य प्रदेश सरकार ने यह स्कीम निकाली थी कि 12वीं की परीक्षा पास करने वाले उन सभी स्टूडेंट्स को इनाम के रूप में एक लैपटॉप दिया जाएगा जिन्हें कम से कम 85% मार्क्स आएंगे। जी हां, 85% मार्क्स आएंगे। लेकिन बता दें कि इस सोफिया गौरी खान नाम की इस लड़की को एग्ज़ाम में मार्क्स तो अच्छे आए हैं लेकिन वो सिर्फ एक
अंक से लैपटॉप लेने वाले स्टूडेंट की लिस्ट से हट गई। इसके बाद सोफिया ने तय किया कि वो अपने कॉपी की पुनः जांच के लिए अप्लाई करेगी, लेकिन जब जिला स्तर पर उसने अपने कॉलेज के शिक्षकों और अधिकारियों के इस बारे में बताया तो उन्होंने कॉपी की दोबारा जांच करने से इनकार कर दिया। बता दें कि इसके बाद सोफिया ने अपना हक पाने के लिए, उस लड़की का हिम्मत देखिए, वो अपना हक पाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई और कोर्ट ने सोफिया के पक्ष में सुनाते हुए ये आदेश दिया कि उसकी कॉपी को फिर से जांच की जाए। बता दें कि सोफिया की इस पूरी बात की पूरी उम्मीद थी कि कॉपी दोबारा जांच होने पर वो कम से कम 5 नंबर ज़्यादा तो ज़रूर प्राप्त कर पाएंगी। आपको बता दें कि जब कोर्ट के आदेश पर सोफिया की कॉपी फिर से जांच की गई तो उसे इकोनॉमिक्स में 1 नंबर ज़्यादा मिला और उसके साथ ही पूरे 425 अंक पाने के बाद लैपटॉप पाने की हकदार बन गई। बता दें कि कोर्ट ने सोफिया को 25,000 की रकम लैपटॉप के लिए दिए जाने का आदेश दिया, लेकिन सोफिया और उसके परिवार वालों का कहना है कि लैपटॉप खरीदने के लिए जितनी राशि मिली है उसका आधा तो उन्हें कोर्ट केस लड़ने में ही चुकाना पड़ा, लेकिन संतोष इस बात का है कि उनकी जीत हुई और सोफिया का नाम एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में लिया जाएगा। देखिए, इस तरीके सोफिया ने अपना नाम एक इतिहास में दर्ज करवा लिया। सिर्फ 1 नंबर के लिए ये लड़की क्या की और अपने मकसद पर पूरा हुई, भले ही उसे लैपटॉप में पूरे पैसे नहीं मिल पाए क्योंकि आधा पैसा तो उसे खर्च हो गया, लेकिन भी अपने उम्मीद में जीती। आप लोग के लिए भी ऐसा सोचना चाहिए कि आप एग्ज़ाम में 1 नंबर या आधा नंबर भी कम आए तो आपको भी ज़रूर से ज़रूर कंप्लेन करना चाहिए, ऐसा नहीं कि पीछे हटना चाहिए। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो 1 नंबर और 2 नंबर या 0.5 मार्क्स को वैलिड नहीं देते हैं, महत्व नहीं देते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।